अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में इस बेल बटन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। खीर तो इसके पहले मैंने बहुत सारे तरीकों से बनाई है, अलग अलग वैरायटी की खीर बनाकर अपने चैनल पर डाला हुआ है। इनकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ खीलों की खीर की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है और बस 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 4 कप के बराबर इस तरह से खीलों को ले लिया है और देसी घी गरम करके उसमें खीलों को भून लूँगी, जिससे कि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं खीलों को मैंने भून लिया है, ये किस तरह से क्रिस्पी हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पर ले लूँगी 1 लीटर के बराबर दूध, और यहाँ पर मैंने दूध का क्रीमीनेस बढ़ाने के लिए डाल दिया है 1/2 कप के बराबर मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर की जगह आप दूध को बढ़ाकर ले सकते हैं और थोड़ा सा इसे खौलाकर गाढ़ा कर लें, तो मिल्क पाउडर डाल देने से बहुत ज़्यादा देर तक खौलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छी तरीके से मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेना है। फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं डाल दूँगी केसर के धागे, इसे भी मैं मिक्स कर लूँगी और इसे अब उबाल आने के बाद करीब 5 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लूँगी, हल्का सा दूध और गाढ़ा हो जाए। इसके बाद इसमें डाल देना है भुने हुए खीलों को और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। खीलों को डाल देने के बाद यहाँ पर इनको मैं करीब 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लूँगी, जिससे कि सारे के सारे दाने अच्छी तरीके से पक जाए, दूध का सारा फ्लेवर खीलों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। मीठेपन के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 कप के बराबर चीनी डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच यहाँ पर मैं डाल दूँगी इलायची पाउडर। ड्राई फ्रूट्स में मैंने बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम लिए हैं, आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर खीलों की खीर बन के तैयार हो गई है, इसे सर्विंग बोल में मैं निकाल लूँगी और सर्व करते समय ऊपर से आप चाहें तो थोड़े से और बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए खीलों की खीर बनके तैयार हो गई है। खीलों की खीर को प्रसाद के रूप में भी चढ़ाया जा सकता है, तो इस बार त्योहारों में खीलों की खीर को जरूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।